चलिए बढ़ते आगे। आपको बता दें कि दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण ठंड की चपेट में है। देश की राजधानी में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घर के अंदर जहां लोगों की कपकपी छूट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बाहर शीतलहर और कोहरे ने हालत खराब कर रखी है। ठिठुरन वाली ठंड के बीच दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्य घने कोहरे की चादर में लिपटे हैं। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाके घने कोहरे में गुम है। सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियों के इंडिकेटर दिखाई देने मुश्किल हो रहे हैं। तो दिल्ली समेत कई राज्य में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और आपको बता दें कि धुंध कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते लोग जो है अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किसानों के चेहरे भी कहीं ना कहीं खिले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस बढ़ती धुंध से काफी फायदा जो है फसलों पर पड़ेगा। और आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से भी कई जगह अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो बढ़ती ठंड के चलते लोग काफी परेशान इस समय नजर आ रहे हैं। वहीं धुंध जिस तरीके से बढ़ रही है उसको लेकर भी आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनोद बंसल भटिंडा से जुड़ गए हैं। विनोद, जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, लोगों को कब तक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए दीपाली, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे के पूरे पंजाब को कोहरे की एक चादर ने अपनी लपेट में ले लिया है। विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो आपने बात पूछी उसका जो अनुमान है, आने वाले दिनों में भी कुछ जल्दी राहत मिलने वाली नहीं है। जो मौसम विभाग के कर्मचारी है उन्होंने बताया भी आने वाले दिनों में शीतलहर और जोर पकड़ सकती है, ठंड और बढ़ सकती है और कोहरा घना हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की है भी अगर जरूरत ना हो तो घर से ना निकले। विजिबिलिटी जीरो है और जो यातायात के साधन है वो उसकी लाइटें जल रही है, लेकिन दिखाई विजिबिलिटी लाइटों की भी नहीं है, तो इसके कारण दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। और दीपाली, मैं इसके साथ बता दूं, अगर पंजाब की बात करूं तो पंजाब के शिक्षा मंत्री ने जो छोटे बच्चे की, जो 8वीं तक के बच्चे हैं, उनकी स्कूल की जो छुट्टी है वो 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। पहले जो 8 तक की गई थी, लेकिन अगर बच्चे स्कूल जाना मुश्किल होता है तो रास्ते में कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसी को देखते हुए जो छुट्टियां हैं जो इसको 14 जनवरी तक आगे बढ़ाई गई है। जी बिल्कुल विनोद, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बढ़ती ठंड के चलते काफी लोग परेशान हैं। छुट्टियों की जो तारीख है वो भी बढ़ा दी गई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं तारा ठाकुर पंचकुला से। तारा ठाकुर, जैसे कि हमने पंजाब की स्थिति देखी, क्या कुछ स्थिति इस समय वहां देखने को मिल रही है? धुंध लगातार बढ़ती जा रही है, किसानों के चेहरे दूसरी तरफ खिले हुए दिख रहे हैं इस धुंध के चलते, तो कब तक जो ऐसी स्थिति है बनी रहेगी आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल दीपाली, अगर पिछले दिनों के मुकाबले इन दिनों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है, आज सुबह 8 बजे जो है पंचकुला का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस जो है रिकॉर्ड किया गया था। अगर कोहरे की बात की जाए तो कहां शहर के जो इलाके हैं वहां पर अभी कोहरा बहुत कम है, लेकिन जो बाहर का एरिया है, जो सराउंडिंग एरिया है, वहां पर घना कोहरा देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी की काफी समस्या जो सड़कों पर वाहन चल रहे हैं उनको आ रही है, और कहीं ना कहीं ये जो तापमान में काफी गिरावट जो है दिनों में देखने को मिली है, और आने वाले कुछ अगले दिनों में भी तापमान ऐसे ही बना रह सकता है। इसी को लेकर जो है जो पंचकुला ट्रैफिक पुलिस है उनके द्वारा भी जो गाइडलाइन जारी की गई है कि कोहरे में सावधानी से जो है वाहन चलाएं और जो इंडिकेटर हैं और जो लाइट का जो है इस्तेमाल करें, ताकि अपना सुरक्षित जो है सफर लोग कर सके। और साथ ही ठंड के कारण जो है जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो रखा है और लोगों को अभी कुछ जो जिस तरह से ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, अगले कुछ दिनों में भी जो है मौसम ऐसे ही बना रहेगा और आने वाले कुछ दिनों के बाद जो है मौसम खुलने के आसार बनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोहरे और ठंड से जो है लोगों को निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। और बात की जाए जो हरियाणा में स्कूलों की, तो 15 जनवरी तक जो है स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, ताकि जो
शीत लहर चल रही है और ठीक है इतना जो ठंडा मौसम होगा उसके चलते जो है बच्चों को जो है कई तरह की जो है खांसी बुखार जुकाम की वायरल जो है बीमारी है, वो बिल्कुल ना हो बिल्कुल उसके तारा बचाव ठाकुर, के बिल्कुल लिए। आपने सही कहा, क्योंकि बढ़ती ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टियां जो है उनकी तारीखों में इजाफा कर दिया, बढ़ा दिया गया है, तारीख जो है बढ़ा दी गई है, और ऐसे में लोग जो है अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तारा ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। और अब हमारे साथ उत्तराखंड के हरिद्वार से जुड़ गए हैं केशव। केशव, जानना चाहेंगे मैदानी इलाकों की स्थिति हमने देखी, क्या कुछ लोगों को समस्या हो रही है, और अगर पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर देखा जाए तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, कहीं ना कहीं सब कुछ नजर आ रहा है। अपने तस्वीरों में आप तस्वीरों के साथ तौर से देख सकते हैं दीपाजी कि जिस तरीके से अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो घना कोहरा छाया रहता है, और पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी होती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के जो स्थानीय निवासी है उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरीके से बर्फबारी होती है दीपाली, तो जो पर्यटक होते हैं वो भी बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन हमने साफ तौर से देखा है, तस्वीरों में देखा है कि जब हम जी रात के समय में, सुबह के समय में, या मध्यम रात्रि के समय में घर से बाहर निकलते हैं तो रोड पर गाड़ी चलाना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि कोहरों कोहर के चलते कोहर इतना डट जाता है कि सामने का बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। अगर बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जनपद हरिद्वार की, तो जनपद हरिद्वार में कोहरा कोहरा छा जाने की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, और बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों को इस कोहरे से निजात निजात की जरूरत है। और साफ तौर से देखा जा सकता है दीपाली कि जो कोहरा है इससे बचने के लिए, जो ठंड है इससे बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं दीपाली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद केशव इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं ललित बहादुरगढ़ से। ललित, जैसे कई दिनों से हम लोग ये खबर भी कवर कर रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों को काफी परेशानी हो रही है इस बढ़ती ठंड के चलते, जो तापमान है लगातार गिरते ही जा रहे हैं, वहीं अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों के लिए कितनी फायदेमंद ये साबित हो रही है धुंध। जी दीपाली, बिल्कुल बात की जाए तो लगातार प्रकोप जारी है, और किसानों की बात की जाए तो यह कोहरा किसानों की गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक है, लेकिन सब्जियों की फसलों के लिए यह कोहरा बेहद ही खराब है, क्योंकि जो आलू की फसल है, टमाटर की फसल है, मटर है, वह इस कोहरे के कारण, ज्यादा ठंड होने के कारण वह खराब होती जा रही है। लगातार जिस प्रकार से तापमान में गिरावट आ रही है, उसके लगातार जो किसानों की जो सब्जियां हैं और जो फलों की फसल है उनमें काफी नुकसान देखने को मिल रहा है, लेकिन गेहूं की फसल में यह कोहरा और जो ठंड है काफी लाभदायक है। इससे गेहूं की उत्पाद में भी काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से जो ठंड है काफी लेट पड़ी है, और जैसे ही जैसे ठंड पड़नी स्टार्ट हुई है वैसे वैसे जो ठंड का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। बागवट में इससे आधा दर्जन के करीब जो लोगों की मौत भी हो चुकी है। अलाव के इससे तमाम अपने घरों के अंदर जो आग जलाकर लोग सोते हैं उन लोगों की दम घुटने के कारण 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उसके अलावा बात की जाए तो दिल्ली रोहतक रेल मार्ग पर भी इसका खासा असर देखने को मिला है। बिल्कुल इस प्रकार पठानकोट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 7 घंटे की देरी से चल रही है, और जो गोरखधाम है। बिल्कुल ललित, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस बढ़ती ठंड के चलते, बढ़ती इस धुंध के चलते विजिबिलिटी जो है काफी कम हो गई है, सड़क दुर्घटनाओं में भी इजाफा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे जो है वो खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गेहूं की फसल की अगर हम लोग बात करते तो यहाँ पर ये धुंध जो है गेहूं की फसल के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आलू की फसल के लिए काफी नुकसानदायक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ललित इस तमाम जानकारी